भाई मेरे काम के हालात बहुत खराब हो गए हैं। क्या मैं और मेरा बेटा तुम्हारे घर पे कुछ दिन रुक सकते हैं? 15-20 दिन रुकूंगा फिर चला जाऊंगा। देखो तुम मेरे दहरे भाई हो, मना मत करना। देखो भाई रिश्तेदारी अपनी जगह, मगर मैं तुम्हें अपने घर पे ठहरने की इजाजत नहीं दे सकता। चलो बेटा रुकिए, आइए कुछ दिन आप मेरे घर ठहर जाइए। ऐसे अपनों से तो गैर अच्छे, आज पता चल गया पैसा आने के बाद इंसान सबको भूल जाता है। पता चला भूकंप आने से तुम्हारा मकान गिर गया। याद है कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर में रहने की मदद मांगने आया था और तुमने मना कर दिया था, ये तुम्हें उसी की सजा मिली है। इस शहर में लगातार 5 भूकंप आ गए हैं। मैं जानता था कि मेरा घर कमजोर है, अगर अब की बार भूकंप आया तो ये टूट कर गिर जाएगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैंने उस दिन तुम्हें अपने घर में ठहराने के लिए मना कर दिया। किसी को बिना सोचे समझे गलत मत समझो।